हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुकन्या और मैं आज लेकर के आई हूँ बच्चों के लिए आलू पैन रोल की रेसिपी। आलू पैन रोल जो है बहुत ही इजी है बनाने में और बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनती है, तो बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद आती है। जो आलू पैन रोल की रेसिपी है उसकी सबसे खासियत ये है कि बहुत कम तेल में बन जाती है। आप बच्चों को आराम से टिफिन में भी जो है आलू पैन रोल दे सकते हैं। तो आलू पैन रोल की रेसिपी को अपने घर में जरूर ट्राई करें, और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए बनाते हैं आलू पैन रोल की रेसिपी को। आलू पैन रोल बनाने के लिए हमें यहाँ पे चाहिए, यहाँ मैंने लिया है प्याज बारीक कटा हुआ, यहाँ मैंने लिया है थोड़ी सी हरी मिर्च, ये थोड़ा सा लहसुन बारीक कटा हुआ, यहाँ लिया मैंने थोड़ा अदरक, ये भी है बारीक कटा हुआ। आप चाहें तो अदरक लहसुन का पेस्ट भी ले सकते हैं। और यहाँ पे मैं ली हूँ दो उबले हुए आलू। स्टफिंग बनाएंगे तो उसमें हमें मसाले की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ मसाले के लिए हम ले रहे हैं थोड़ा सा जीरा, यहाँ है थोड़ा मिर्ची पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, थोड़ा हल्दी पाउडर, गरम मसाला और नमक। तो चलिए सबसे पहले आलू पैन रोल बनाने के लिए हम इसकी स्टफिंग बनाएंगे। तो स्टफिंग बनाने के लिए यहाँ मैंने पैन को हीट कर लिया है और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा ऑयल। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा जीरा, और जीरा के साथ ही हम डाल देंगे यहाँ पे प्याज। यहां मैं डाल देती हूँ ये हरी मिर्च, हल्का पिंकिश कलर होने दे, पिंकिश कलर हो जाएगा। फिर हम इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, या फिर अगर आपने अदरक और लहसुन का पेस्ट किया हुआ है तो फिर आप उसे भी डाल सकते हैं। ये हो गया है, अब हम इसमें डालेंगे ये अदरक। इसके साथ ही आप डाल दीजिए ये लहसुन। इसको हमें बस हाफ फ्राई करना है, ज्यादा फ्राई इसको नहीं करना है। तो देखिए ये हमारा रेडी हो गया है, ये हमारा हाफ फ्राई हो गया है। अब हम इसमें आलू डालेंगे। तो आलू को जो है आप हाथ से तोड़ करके, आलू को मैश करके नहीं डालना है, आलू को जो है आप हाथ से तोड़ करके डालें ऐसे करके। तो यहाँ मैंने ये आलू को अच्छे से जो है इसमें मिक्स कर लिया है, और हम इसमें डालेंगे सारे मसाले। तो हम चूंकि बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग जो है मसाले को थोड़ा ज्यादा या फिर कम कर सकते हैं। यहाँ मैं डाल रही हूँ थोड़ा हल्दी पाउडर, उसके साथ ही हम डालेंगे थोड़ा मिर्ची पाउडर। मिर्ची पाउडर ऑप्शनल है, आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। थोड़ा तो मिर्ची पाउडर डाल देंगे, थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ा सा नमक। सभी को अच्छे से मिक्स कर लें। तो देखिए यह हमारा स्टफिंग का मसाला जो है बहुत अच्छे से रेडी हो गया है, ये अच्छी तरीके से पक गया है, सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं। तो इसी तरीके का हमें मसाला बना लेना है। आपके पास अगर धनिया पत्ता है तो आप ऊपर से धनिया पत्ता डाल सकते हैं। तो ये हमारा हो गया है, तो अब हम इसको जो है हटा देते हैं और इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। स्टफिंग को यहाँ पे आलू पैन रोल बनाने के लिए हम बनाएंगे इसका बैटर। तो बैटर बनाने के लिए यहाँ पे मैं ले रही हूँ मैदा। आप यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं, मैदा, चावल का आटा, आप चाहे तो गेहूं का भी आटा यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ ये मैदा, और इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक। तो यहाँ मैंने नमक और मैदा को जो है अच्छे से मिक्स कर लिया है, और इसका अब हमें पतला बैटर बनाएंगे। इसके लिए थोड़ा थोड़ा करके जो है आप पानी डालें और इसका बैटर तैयार करें।
तो आपको जो है इसी तरीके का बैटर बनाना है, जस्ट लाइक ऐसे ही जो है पतला सा आप बैटर तैयार कर ले। और हम यहाँ पे पैन गरम होने के लिए मैंने रख दिया है, और पैन गरम हो रहा है और अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच तेल। तो यहाँ मैंने तेल को अच्छे से स्प्रेड कर दिया है और अब हम डालेंगे ये बैटर। तो यहाँ जो है इसको एक तरफ से पकने देते हैं अच्छे से, उसके बाद हम इसे पलटेंगे। तो देखिए ये हमारा हो गया है एक साइड से, अब हम इसको जो है आराम से पलट देते हैं इस तरीके से। तो ये हमारा हो गया है और इसको हम निकाल देते हैं एक प्लेट में, और इसी तरीके से बैटर डालना। अब इस तरीके से बैटर को जो है थोड़ा फ्लैट कर दें। तो ये हमारा हो गया एक साइड से, इसको हम पलट देते हैं। तो इस तरीके से आपको पलट देना है। ये हमारा हो गया है और इसको हम जो है निकाल देते हैं। अब हमें क्या करना है, ये इसमें हम डालेंगे ये स्टफिंग जो है इसके बीच में, ऐसे करके स्टफिंग जो है अच्छे से डाल दें, इसको अच्छे से फ्लैट कर दें और इसको जो है दोनों तरफ से रोल कर दें, ऐसे करके रोल करके ऐसे भी थोड़ा रोल कर देना है, फिर भी रोल करके। और इसको जो है आप चाहे तो एक स्पून पे तेल डाल दें, मैं बिना तेल के बनाऊंगी, तो आप इसको जो है ऐसे करके डाल दें। जब तक ये हमारा सिकता है हम दूसरा रोल भी तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए ये लेना है और इसी तरीके से जो है आप इसमें स्टफिंग डालें। बहुत कम तेल में बहुत हेल्दी नाश्ता जो है बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाता है और बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद आता है। तो आप जरूर ट्राई करें इसको अपने घर पे, सब बहुत ज्यादा पसंद करेंगे। तो जस्ट लाइक आपको ऐसे जो है इनको रोल करना है, ऐसे कर देना है, इसको भी मैं डाल देना। देखिए इस तरीके से आपको करना है। आप थोड़ा सा जो है आयल स्प्रेड कर सकते हैं, लेकिन मैं बिना आयल के ही बनाऊंगी। तो ये हमारे एक साइड से हो गया है, इसको हम पलट देते हैं ऐसे। जस्ट लाइक आप इसको भी ऐसे ही पलट दें और इसको एक साइड से भी अच्छे से थोड़ा सा पकने देते हैं। देखिए ये हमारे दोनों तरफ से अच्छे से सिक गया है और हम इसको निकाल लेते हैं। देखिए वहां पे प्लेट में हमने अच्छे से निकाल लिए। ये हमारा बनकर तैयार हो गया है आलू पैन रोल, और इसको जो है आप इससे जो है ऐसे करके कट कर दें, इसको भी आप ऐसे ही काट। तो ये देखिए हमारा आलू पैन रोल जो है बन करके तैयार हो गया है, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही कम तेल में बन जाता है, बहुत ही हेल्दी भी है। आप इसको टमाटो की चटनी या फिर जो है टमाटो केचप आता है या फिर धनिया की चटनी किसी भी चीज के साथ जो है सर्व कर सकते हो। जरूर बनाए इस रेसिपी को, सभी को बहुत ज्यादा पसंद आएगी। तो अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।